हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर चलाने जाएंगे तो इस कीबोर्ड की तो ज़रूरत पड़ेगा ही। तो हम आज देखने वाले हैं कि हम इस कीबोर्ड को बिना देखे, क्योंकि हम अगर देख के टाइप करें तो ऐसे ही बहुत देर लगता है, क्योंकि हमें बिना देखे ही अगर हम उंगली को सेट कर लें तो बहुत जल्दी हमारा टाइप हो जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि बिना देखे कीबोर्ड को फास्ट हम कैसे चलाएं। तो हम गलती कहा करते हैं, जब भी हम नया सीखते हैं कीबोर्ड को कंप्यूटर चलाना, तो हम क्या करते हैं, दो किसी भी दो उंगली से ऐसे 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 टाइप करते हैं, ऐसे ढूंढ ढूंढ के टाइप करते हैं। तो हमारा गलती वही से शुरू होता है, क्योंकि एक बार हमने गलत तरीके से सीख लिया तो उसको ठीक करना नया सीखने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज टाइपिंग स्पीड इतनी ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर फील्ड में कोई भी जॉब करना चाहोगे तो वहाँ पे भी आपको मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड हो वो 30 से 35 WBM यानी मतलब वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उस स्टेप में सीखेंगे कि टाइपिंग बिना देखे हम कैसे फास्ट टाइप कर सकते हैं। तो पहले जो तरीका होता है, तो कीबोर्ड के अंदर जो ये वाला रो होता है ASDFGS, मतलब ये वाला जो मिडिल रो होता है, इसको हम होम रो कहते हैं, क्योंकि हम कभी भी कोई टाइप करेगा ऐसे ऐसे कोई टाइप करे तो वापस से आके हाथ हमारा वही होम रो पे अटक जाता है। तो लाइट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, होम रो पे आके हाथ रुकता है, तो इसको हम होम रो कहते हैं। कोई भी टाइप करे होम रो पे हाथ, ये जो जे और एफ जो है, जे और एफ इसके नीचे थोड़ा निशान लगा हुआ है, लेयर लगा हुआ है, यहाँ पे रुकते ताकि हम अगर कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं तो पता चले कि हमारा हाथ जगह पे है, सही जगह पे है। और ये जो ऊपर वाला रो होता है, इस रो को अपर रो कहते हैं, अपर रो, और जो नीचे है जेड, मतलब ये जो रो होता है नीचे, इसको मिड रो, लोअर रो बोलता है। और ये यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है, ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं नंबर रो। तो हम जब भी टाइप करते हैं तो हाथ हमारा यहाँ होता है, मतलब दो, ये जो दो उंगली है मेन उंगली के जो दो है साथ, ये एफ और जे में होता है, और दूसरा बाकी सब सेट करके रखते हैं। ये वाला जो है ये ए पे होगा, ये वाला जो उंगली है वो एस पे होगा, ये वाला डी पे होगा, और ये जो लास्ट उंगली है वो एफ पे होगा। ये जो हमारा मेन फिंगर है इस ये हमारा यहाँ रहता है, तो इस पर हम किसी से बैक स्पेस दबा सकते हैं। तो ये और तीसरा ये जे पे होगा, उसके बाद के पे होगा, उसके बाद ये उंगली जो है एल पे होगा, और इसके बाद ये जो छोटी उंगली है ये सेमी कॉलम में होगा। तो हमारा कुछ पोजीशन इस तरीके का होगा। तो पहले हम जो प्रैक्टिस करेंगे बिना देखे कीबोर्ड चलाने का, तो हम ऐसे हाथ यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद स्क्रीन पे देखेंगे और ए दबाएंगे, उसके बाद स्पेस दबाएंगे, उसके बाद एस दबाएंगे, उसके बाद स्पेस दबाएंगे, उसके बाद फिर डी दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, एफ दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, फिर एच जे दबाएंगे, उसके बाद स्पेस दबाएंगे, के दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, एल दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, उसके बाद ये जो सेमी कॉलम है दबाएंगे और स्पेस दबाएंगे। ऐसे हम आधा घंटा एक घंटा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ऐसे ही कुछ दिन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया, उसके बाद सेकेंड स्टेप पर क्या करना है, उसके बाद ये जो उंगली है एच, इस तरफ एच बाकी है, इस तरफ जी बाकी है, तो इस उंगली से हम, ये जो लेफ्ट उंगली है इससे हम एच को दबाएंगे, ऐसे एच को दबाएंगे, एच दबाएंगे, स्पेस, ऐसे स्क्रीन पे या कीबोर्ड पे देख के नहीं दबाएंगे, स्क्रीन पे देख के दबाएंगे, एच स्पेस, एच स्पेस, ऐसे कुछ बार प्रैक्टिस करेंगे। उसको इस उंगली से जी दबाएंगे, जी स्पेस जी, पोजीशन यहाँ पे रहेगा, जी स्पेस ऐसे दबाएंगे। उसके बाद तो हमारा मिडिल रो का प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से ASDF ऐसे दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, ASDF, उसके बाद स्पेस दबाएंगे, उसके बाद JKL सेमी कॉलम, स्पेस दबाएंगे, ऐसे करके हमारा जब मिडिल रो का हो जाएगा प्रैक्टिस, उसके बाद हमें अपर रो, उसके बाद लोअर रो प्रैक्टिस करना है। तो हम कौन सा उंगली से अपर रो की कौन सी दबाएंगे और लोअर रो की कौन सी दबाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक चार्ट निकाला है। ये देखिए, ये चार्ट पे कलर दिया हुआ है, यहाँ पे एक कलर है, उसके बाद 2WSX ये एक कलर का है, और इसके नीचे देखिए हाथ की उंगली का कलर है, उंगली में देखिए ये वाला कलर है, मतलब ये वाला हमारा जो दूसरा उंगली है, ये वाला उंगली, इससे हम ये सब कलर को दबाएंगे। उसके बाद ये जो C3 है, FE है, DAC है, उसके बाद हमारा ये जो मिडिल उंगली है, ये देखिए मिडिल उंगली से हम ये दबाएंगे। हम चाहते तो इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देख देख के, इसको साइड में रखते हैं, इसको देख देख के प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, हमारा जो है, हमारा
जो ये छोटी उंगली है उससे हम कैप्स लॉक दबाएंगे। उसके बाद अपर रो का जो है, मैं पहले अपर रो का सिखा देता हूँ। जो छोटी उंगली है उसके सीधा क्यू है, क्यू को दबाएंगे। ये देखिए, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट मार के इसका प्रिंट आउट एक निकाल लेना। उसके बाद इसको देख देख के इसको देखेंगे और मॉनिटर को देखेंगे, कीबोर्ड नहीं देखेंगे। इसको देख के ये छोटी उंगली के साइड में जो है क्यू है, तो इसको सीधा क्यू दबाएंगे। उसके बाद दूसरी उंगली है, दूसरी उंगली के ऊपर डब्ल्यू है, तो हम ये दूसरी उंगली से डब्ल्यू दबाएंगे। उसके बाद ये तीसरी उंगली जो है इससे हम ई दबाएंगे, ई। और ये जो मेन छोटा उंगली है, छोटा मतलब नहीं, ये जो एफ पे है, ये वाला उंगली फर्स्ट उंगली, इससे हम आर को दबाएंगे। और इसी से हम इधर जो सामने है टी, टी को दबाएंगे, इससे टी को भी दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कलर दिया हुआ है। ये जो ये उंगली जो है, पहला उंगली बूढ़ा उंगली के साथ जो उंगली है, इससे हम आर भी दबाएंगे। एफ पे तो हाथ रहता है, आर भी दबाएंगे, टी भी दबाएंगे, और इससे भी जी दबाएंगे, एफ दबाएंगे, बी भी दबाएंगे। तो ये आप प्रिंट आउट करके रख लेना। इस उंगली से अपर रो का टी भी दबाना पड़ता है, आर भी दबाना पड़ता है। तो उसके बाद ये जो दूसरा उंगली जो है इससे हम दबाएंगे। ये छोटी उंगली से शुरू करते हैं, नहीं, इस उंगली से ही शुरू करते हैं। तो ये जो जे है, जे इस तो दबाते हैं, लेकिन इस उंगली से अपर रो का वाई दबाएंगे, ऐसे वाई दबाएंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, वाई क्यू स्पेस डब्ल्यू स्पेस ई, मतलब अलग अलग उंगली से अलग अलग, या नहीं ये एक उंगली है इसे ही दबा देते हैं ऐसे ही, ऐसे नहीं, जो उंगली है उस उंगली से ही दबाएंगे। इस उंगली के ऊपर ये है ए क्यू स्पेस डब्ल्यू स्पेस, उसके बाद दबाएंगे ई स्पेस आर स्पेस दबाएंगे, फिर टी दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे। वाई, वाई जो है वाई इस उंगली का है, दूसरे हाथ का है। तो उसके बाद क्या करेंगे, वाई दबाएंगे इस उंगली से, वाई दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, यू वाई यू। और ये जो दो है वाई और यू, ये इसी उंगली से होगा, जे के ऊपर है। तो ये वो पहले जो मैंने फोटो दिखाया था उसमें आप देख लेना, इस उंगली से होता है। उसके बाद जो आई होता है, ये दूसरा उंगली के ऊपर है, तो इसको हम के ऊपर दबाएंगे। उसके बाद ओ है, जो ओ को इस तरीके से दबाएंगे। उसके बाद जो ये छोटी उंगली है, इससे हम पी भी दबाएंगे, ये वाला है जो ब्रैकेट क्लोज होता है, और दूसरा वाला ये भी हम इस उंगली से, लेकिन हम सिर्फ नंबर को प्रैक्टिस, वर्ड को प्रैक्टिस करते हैं, ये सब बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या करेंगे, क्यू स्पेस इस उंगली से डब्ल्यू स्पेस इस उंगली से ई स्पेस आर स्पेस टी स्पेस, फिर आगे ये उंगली वाई स्पेस यू स्पेस, उसके बाद ये उंगली आई स्पेस ओ स्पेस पी। ऐसे करके आप जो है अपर रो का प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आएगा स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में देखिए, ये जो जेट है, ये हमारा, ये जो जेट है ये हमारा छोटी उंगली का है। ये जो एक्स है ये हमारा दूसरा उंगली, वो जो सी है तीसरा, ये भी है ये वाला उंगली का है। देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, भी है जो, ये जो सी है ये वाला उंगली, ये जो भी है ये उंगली, और बी जो है बी भी एक ही उंगली, भी और बी एक ही उंगली से होना है। फिर दूसरा ये जो है दूसरा उंगली, दूसरा हाथ का पहला उंगली एन होगा। उसके बाद जो येलो कलर है, एन और एम एक ही उंगली से दबाएंगे। एन एन और एम जो है हमारा हाथ तो रहेगा जे पे, जे पे निशान होता है, हाथ रहेगा जे पे, इससे हम एम दबाएंगे। उसके बाद उसी से हम एन दबाएंगे। उसके बाद हमारा जो तीसरा उंगली है, तीसरा उंगली से हमारा ये देखिए, और मिडिल उंगली, मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर जो के नीचे के में रहता है, वो दबाएंगे हमारे नीचे ब्रैकेट क्लोज। ओ सॉरी, ये क्या कहता है इसको, मेरे को थोड़ा मालूम नहीं है, लेकिन ये वाला निशान दबाएंगे। उसके बाद जो तीसरा उंगली है, ये देखिए तीसरा उंगली, इससे दबाएंगे, ये एल के नीचे रहता है, और छोटी उंगली जो है उससे दबाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो कीबोर्ड में देखते हैं, ये देखिए हमारा हार्ट तो यही रहेगा एफ और जे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये छोटी उंगली से ए के जो नीचे है जेड, तो हम जेड दबाएंगे। उसके बाद दूसरा उंगली जो है एस में होता है, तो एस को क्या करेंगे, इसे एक्स दबाएंगे। तीसरा उंगली जो है ये डी पे होता है, डी से सी, सी के नीचे आता है, उसके तीसरा उंगली से सी दबाएंगे। उसके बाद चौथा उंगली एफ में होता है, एफ से भी दबाएंगे, इस उंगली से भी दबाएंगे, उसके बाद बी भी दबाएंगे। चार्ट पे दिया हुआ है, इस उंगली से ही, ये वाला जिस उंगली से हमारा एफ, जिस उंगली हमारा एफ पे रहेगा उसमें भी और बी दोनों दबाना पड़ता है। तो एफ भी दबाएंगे, उसके बाद उसी से बी दबाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा हाथ की उंगली है जे, इससे हम दबाएंगे एन। उसके बाद इस जो के है, के की उंगली है, उससे हम दबाएंगे एम। और जो एल में है, एल की जो उंगली है उससे दबाएंगे हम ये,
जो हमारा तीसरा ये सेमी कॉलम में है उससे हम ये दबाएंगे, ये वाला दबाएंगे, ये वाला भी दबाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। ये जो है तो क्या करना है, पहले जो है छोटी उंगली से जेड दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे सब। उसके बाद एक्स दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, उसके बाद ये उंगली सी दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, एफ, इसके भी दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, बी दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ आपको, कीबोर्ड में देख देख के लेकिन नहीं दबाना है। आप एक बार वो जो प्रिंटआउट दिखाया उसको आप सामने रखना और उसको देखना और स्क्रीन पे देखना। अगर गलती भी हो गया तो आप हाथ सीधा कर ले सकते हैं, लेकिन अगर कीबोर्ड में देख के आपका हैबिट हो गया तो आप मतलब ज़्यादा फास्ट टाइप नहीं कर सकते। कीबोर्ड में देख के हम फास्ट टाइप नहीं करते, क्योंकि ये देखिए मैंने कीबोर्ड में हाथ रखा तो वार्ड सारा गायब हो गया, नीचे का वार्ड तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसे करके दबाना पड़ेगा। इसलिए जब आपका बिना देखे प्रैक्टिस होगा तो आपका हाथ सीधा ऐसे आएगा, मतलब हाथ कहाँ चल रहा है दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना है तो आएगा। उसके बाद ये वाला पहले ना आप ये नंबर वन नंबर मत प्रैक्टिस करो, पहले आप ये जो है वर्ड प्रैक्टिस करो। वर्ड जब आएगा तब उसके बाद फिर नंबर भी प्रैक्टिस कर लेना तो आसान रहेगा, क्योंकि एक ही बार में आप अगर सारे नंबर वर्ड में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपको सीखने का भी मन नहीं करेगा। तो उसके बाद क्या करना है, पहले तो ये प्रैक्टिस करना है थोड़ा, तीन चार दिन अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब ऑनलाइन में जाके टाइपिंग टेस्ट मारोगे तो वही आ जाएगा। इसके लिए मैं पार्ट टू वीडियो बनाने वाला हूँ कि हम डेस्कटॉप में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेस्कटॉप में एक सॉफ्टवेयर आता है टाइपिंग मास्टर, उसमें हम बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिसके पास डेस्कटॉप नहीं है वो मोबाइल में कैसे टाइप कर सकता है वो भी हम दिखाएंगे। तो पार्ट टू में हम बनाएंगे टाइपिंग मास्टर जो है वो सॉफ्टवेयर में हम आसानी से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। और दूसरा जो है मोबाइल में हम कीबोर्ड माउस लगा के कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पार्ट टू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जल्दी पार्ट टू लाएंगे। ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि पार्ट टू आने वाला है बहुत जल्दी।